तो स्वागत है आपका स्टूडेंट हमारे वीडियो में। आपको बता दूं कि यूपी बोर्ड से रिलेटेड यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। यहाँ पे इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि आपकी जो रिजल्ट है वो किस तारीख को, जून की किस तारीख को आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपके जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जिस विद्यार्थी के छूट गए हैं वो कब कराया जाएगा। वीडियो छोटी है, स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा, सारा कुछ विस्तार में बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यह जो न्यूज़ है वह हिंदुस्तान.com की तरफ से अभी अभी पब्लिश किया गया है। तो चलिए बताते हैं आपको। यहाँ पर देख लीजिए, यूपी बोर्ड 10 और 12 रिजल्ट 2020। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा बोले, यूपी बोर्ड रिजल्ट को लेकर नहीं की किसी तय तिथि की घोषणा। मतलब उन्होंने कहा है कि जो रिजल्ट घोषणा करने की जो तिथि है अभी तय नहीं है। और बहुत सारे YouTube चैनल पर अभी बता दिया गया है कि आपके रिजल्ट 27 जून को आएंगे। तो यह वीडियो अंत तक देखिएगा, सारा कुछ बताऊंगा कि आखिर एक्चुअल सही न्यूज़ क्या है। देखिए, यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं रिजल्ट 2020। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने यह साफ कर दिया है कि सरकार या यूपी बोर्ड की तरफ से 10वीं 12वीं रिजल्ट के लिए किसी भी तिथि का तय घोषणा नहीं किया गया है। उन्होंने कहा है कि नतीजे 25 जून से 28 जून के बीच में घोषित किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर जो आपके जो रिजल्ट का जो डेट है वो 25 जून से 28 जून के बीच में जो तिथि है वो घोषणा की जा सकती है और कंफर्म नहीं है। इस बात पर निर्भर करता है कि बोर्ड कितनी जल्दी रिजल्ट तैयार करता है। उप मुख्यमंत्री की यह प्रक्रिया उन खबरों पर आई है जिनमें यह कहा जा रहा था कि यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट 27 जून को घोषित कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैंने भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर देखे जिन्होंने दावा किया है कि 27 जून को घोषित कर दिया जाएगा आपका रिजल्ट, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने बताया है, डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया है जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, कि आपके जो रिजल्ट हैं वो 25 से 28 जून के बीच में तिथि जो है वो घोषित की जा सकती है, वो अभी कंफर्म नहीं है। आगे देखिए, उप मुख्यमंत्री ने मंगलवार को कहा था कि नतीजे जून के अंत में जारी किए जाएंगे। यूपी बोर्ड की कॉपियों का मूल्यांकन मंगलवार को खत्म हो गया था। उन्होंने कहा है कि इस वर्ष परीक्षाएं रिकॉर्ड समय में हाई स्कूल की 12 व इंटरमीडिएट की 15 दिनों में खत्म हो गई है, लेकिन कोविड महामारी के कारण मूल्यांकन देर से शुरू हुआ, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी कम समय में हमने मूल्यांकन खत्म किया। इस बार 56,11,072 विद्यार्थियों ने बोर्ड परीक्षा दी है। आइए यहीं पर देखते हैं प्रैक्टिकल से रिलेटेड न्यूज़, जिन विद्यार्थियों का प्रैक्टिकल एग्जाम अभी छूटा हुआ है। देखिए, इंटर के छूटे विद्यार्थियों का प्रैक्टिकल 9 व 10 जून को यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा में सम्मिलित जो अभ्यर्थी किन्हीं कारणों से प्रायोगिक परीक्षा नहीं दे सके हैं उन्हें एक और अवसर दिया गया है। ऐसे अभ्यर्थी 9 व 10 जून को प्रैक्टिकल में शामिल हो सकते हैं। सचिव नीना श्रीवास्तव ने बताया है कि 9 व 10 जून को जिला मुख्यालय पर राजकीय व अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में होने वाली प्रायोगिक परीक्षा में शामिल होने के लिए छूट हुई है। अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर दिया जाएगा। ऐसे सभी छात्र छात्राएं अपने जिला विद्यालय निरीक्षक से संपर्क कर उनके द्वारा मुख्यालय स्तर पर निर्धारित केंद्र पर उपस्थित होकर परीक्षा में सम्मिलित हों। गौरतलब है कि कई अभ्यर्थियों की परीक्षा छूट गई थी, तो कई अन्य हाई कोर्ट के आदेश पर लिखित परीक्षा में शामिल होने के कारण प्रायोगिक परीक्षा नहीं दे सके थे। 9 व 10 जून को इसलिए प्रैक्टिकल कराया जा रहा है ताकि इनके नंबर भी जोड़ते हुए अंतिम परिणाम घोषित किया जा सके। तो स्टूडेंट, आपको आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि उनको भी पता चले कि रियल न्यूज़ क्या है, ठीक है। इसके साथ साथ हमें वीडियो में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसा लगा हमारा वीडियो, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके रखिए ताकि ऐसी न्यूज़ मैं आपको पहुंचा सकूं। धन्यवाद।